है ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, एक और मैं सिंपल एग्जांपल लिखता हूं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थर्टीन है ना। टू बॉल आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। हाँ जी, देन फाइंड द टाइम व्हेन दे विल कोलाइड। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये बहुत सिंपली सॉल्व करने में कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं है और आएगा भी नहीं, लेकिन मेरे को जो समझाना है आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं बाद में। देखिए मैं क्या बोलूंगा, पहले क्या क्या, पहले तो मैं लिखना चाहूंगा वेलोसिटी ऑफ ए, ऑफकोर्स ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट आई कैप है। वेलोसिटी ऑफ बी, अगर ये 13 आई कैप ही है तो देखो, अगर केवल एक ही डायरेक्शन है तो ज़्यादा आपको वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक डायरेक्शन है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, पूरा वेक्टर फॉर्मेट में, सिंस एक ही डायरेक्शन में है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये आ गया 13 आई कैप माइनस 8 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है वो हमारा 5 एंड व्हाट आई कैप। हाँ, हो गया। नाउ दूसरा, अगर मैं लिखूं तो ये बात आप अभी समझ लीजिए कि ये कांस्टेंट है, बिल्कुल है। तो अगर हम लोग लिखें, क्या अभी मैंने लिखा था x ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a लिखेंगे तो ये एक्स बी माइनस एक्स ए कैसे लिखा जाए। हाँ, ध्यान दीजिए, कहीं भी आप ओरिजिन मान लो, जो पीछे में है आप उसी को ओरिजिन मान सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ या गलत नहीं है, या कहीं से भी मानेंगे तो वो दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हैं। हाँ, तो अगर आप लिखोगे तो बी वाले को अगर हम लोग जीरो लिखते हैं तो ये आपका प्लस में 20 और आई कैप है, मतलब ये माइनस 20 आई कैप हो गया, बिल्कुल। हाँ जी, है ना। और अगर आप लिखेंगे तो हमने कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जांपल्स, या बोल लीजिए कि जो फॉर्मूला था वो हमने आपको बताया, सॉरी एक्स बी ए है ना। तो देखिए, वैसे बोलते रहे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एंड सिंस वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आ जाएगा डेल्टा, अगर हम लोग लिखेंगे एक्स बी ए तो ये इनटू टाइम आ गया। हाँ जी,
समझ रहे हैं? तो आप टाइम लिखोगे तो डेल्टा एक्स बी ए अपॉन टी, सॉरी वी। नाउ देखिए, ये जो आ रहा है ये आपका माइनस 20 है और ये आपका 5 है प्लस में, और ये गड़बड़ हो गया। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या कहना, ये हमारा इनिशियल सेपरेशन है, रिलेटिव सेपरेशन। हाँ जी, इनिशियल है। दूसरा, अगर एट द टाइम ऑफ कॉलिजन की बात करोगे तो ये फाइनल होगा एक्स बी माइनस एक्स ए, और ये जीरो आएगा टाइम ऑफ कॉलिजन, दैट इज एट सेम पोजीशन। होंगे दोनों, अरे जहां भी टकराएंगे दोनों साथ में होंगे तभी तो ये टकराएंगे ना, ए एंड क्या बी, तो दोनों के फाइनल पोजीशन सेम आएगी, हाँ जीरो। नाउ यहां जो लिख रहे हैं वो डेल्टा लिख रहे हैं, तो ध्यान से, एक्स बी ए फाइनल माइनस एक्स बी ए और इनिशियल। हाँ जी बिल्कुल, ये डेल्टा होता है, तो फाइनली तो जीरो है और इनिशियली ये है, समझे? और ये अब इतना आएगा, ठीक है ना? आप बेटर रहेगा कि अगर जब भी कॉलिजन का रहेगा तो ये जीरो माइनस में जो इनिशियल आपका सेपरेशन है वो आ जाएगा, ठीक है ना? और ये आपका टाइम ऑफ कॉलिजन है प्लस में, हाँ ओके ना, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान से, जो ये चीज होता है वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, जबकि ये जो चीज होती है वो रिलेटिव इनिशियल पोजीशन, दिस इज रिलेटिव इनिशियल सॉरी फाइनल पोजीशन। हाँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल माइनस इनिशियल आता है ना, और ये कॉलिजन के लिए, कॉलिजन के लिए सेम आएगा दोनों एक ही जगह पर, ठीक है? तो एट द टाइम ऑफ कॉलिजन सेम होंगे, हाँ जी। और इस तरीके से हमारा ये चीज सही ना। देखिए अभी तो वैसे भी लिख सकते थे कि रिलेटिवली 5 मीटर से ये जा रहा है, 20 मीटर है, हाँ तो 20/5 यानी कि 4 सेकंड आ जाता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अभी तो ये सिंपल है, या बोल सकते हैं कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप वैसे ही लॉजिकली भी सॉल्व कर दीजिएगा। बट व्हेन इट्स कम्स टू 2D, 3D कॉम्प्लिकेटेड ना, तो हमारे थिंकिंग से बाहर चला जाता है। सो हम मैथमेटिक्स पे भरोसा करें, भरोसा क्या करें, वही यूज करें ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ओके ना, एक्सेलरेशन। ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन में भी एक तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होता है ना, और ये आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना भी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं है, वेक्टरली होता है इन अ डायरेक्शन। डायमेंशन, हाँ जी, तो अगर हम लोग लिखेंगे ऑफकोर्स डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम एवरेज। हाँ नाउ दूसरा आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये ऐसा होता है। ऑफकोर्स मैं
डेफिनेशंस को पूरा पूरा लिखते चल रहा हूँ वेक्टरली, बिल्कुल वेक्टर रिलेशन है इन वन डायमेंशन। क्या है, ए लिखोगे डी वी बाई डी टी हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल लिखिए एक्स में, फिर वेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ हम आते हैं इन वन डायमेंशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन वन डी, स्पेशली हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई वॉट डी टी। हाँ तो देखो अगर ये सब चलता रहा ठीक है ना, तो अगर हम लिखने की, यहीं से मैं करता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ, हाँ यहां पर बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यहां पर बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो अगर आप बात करोगे तो डी वी बी माइनस वी ए अपॉन डी टी, हाँ जी ऑफकोर्स अलग अलग कर दीजिए, तो ये वी बी सॉरी एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट ए, बिल्कुल हाँ यहां पर भी ये यही आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ तो ये भी बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए लिख रहे हो तो ये भी बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए आ जाएगा, और आप इधर इधर कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। दैट इज मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये कांस्टेंट है तो दिस इम्प्लाइज कि हम लोग क्या करेंगे, डी वी बी ए अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, इनिशियली बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए, फाइनली बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए, हाँ जीरो से टाइम टी। अगर ये कांस्टेंट है हम बाहर निकाल सकते हैं, और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए डी टी जीरो से टी। नाउ है ए बी ए कॉमन ले लीजिए, डी टी का टी जीरो से टी। अब देख लो v b a माइनस u b a इक्वल्स टू a b a इंटू टी होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, होता है ना v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये सबके सब रिलेटिव एक्सेलरेट है सारा, समझ रहे हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है, बिल्कुल होता है। एस या डेल्टा एक्स हम लोग लिखते थे तो वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, बिल्कुल होता है, और ये अंडर दिस कंडीशन ही होता है। ये तमाम चीजें डेराइव करने की जरूरत नहीं है, ये सब का सब लिख दीजिए ना, कि ये अगर जिसका भी जो लिखोगे तो वो सब में लग जाएगा। क्या देखिए ये आया है, अगर आप यहां पर लिखोगे कि डेल्टा एक्स बी ए तो वो आपका सब आ जाएगा, या डेल्टा एस भी लिख सकते हो बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो वो आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये बी का ए है तो ये भी बी का ए आएगा, ये भी बी का ए आएगा, सारा मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन ही ये रिलेटिव इक्वेशन होता है, ऑल आर रिलेटिव टर्म, सारे के सारे रिलेटिव टर्म होते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन हाँ और आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, तीनों मोशन पैरामीटर आपका वही होते हैं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस या जो भी लिख रहे हैं, ये बी विथ रेस्पेक्ट टू ए है तो ये भी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए होगा, ये भी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए होगा, ये भी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए होगा। मैं बोल रहा हूँ
आप समझ जाइए कि जो इक्वेशन हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसी को ध्यान रखिए, जिसके रेस्पेक्ट में बोलता है उसके रेस्पेक्ट में अप्लाई कर दीजिए। और इसमें मेरे ख्याल से आपके लिए कोई नया बात है ही नहीं, हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा जो मोशन होता है वो कैसा होता है, रिलेटिव होता है या रिलेटिव टर्म ही है। पहला चैप्टर हम लोग पूरा का पूरा पढ़ जाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड। बट अब क्या है ना, हमारे ऑब्जर्वर चेंज होते रहते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आइडिया लगेगा, है ना, देखते हैं। है ना, क्वेश्चन लिखते हैं। है ना, देखिए अनटिल अनलेस कि हमें बस का डायमेंशन ना दिया रहे, ठीक है ना, तो हम उसको बड़ा छोटा ये सब ना मानते हैं, हम सभी को पॉइंट ही मान के चलते हैं। क्या है क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, एज पर द डायग्राम, अ मैन स्टार्ट रनिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी 9 meters per second ऑन अ स्ट्रेट रोड टू कैच अ बस। हाँ, फर्स्ट ऑफ व्हेन मैन इज 40 meters बिहाइंड द बस, बस स्टार्टेड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 1 meter per second square as shown in the figure। हाँ जी, होता है, आप रियल लाइफ में भी देखे होंगे, बस नहीं है कि वो स्टार्ट हुआ, आप दौड़ के पकड़ना चाहते हैं, कुछ हमने नहीं बोलेगा कि सुटेबल कंडीशन दिए हैं कि मैन जो है अपना कांस्टेंट और ये स्टार्ट हुआ, ये इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एनीवे 40 meters बिहाइंड द बस, देन find when and where man will catch the bus। हाँ बिल्कुल, जनरल लाइफ प्रॉब्लम है ना। ना देखिए, पहला तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव मोशन से ही सॉल्व होगा। आप अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व पहले जो रेक्टिलिनियर मोशन है उससे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको भी अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल केसेस में कोई ज़्यादा जरूरी नहीं पड़ता है इसकी, या इसका एडवांटेज समझ में नहीं आएगा, बट केसेस जब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने लगते हैं ना,
मोर देन वन डायमेंशन से ज़्यादा होने लगता है तो हमें इसकी सख्त ज़रूरत पड़ती है। एनीवे मैं इसको दोनों ही तरीके से आपको सॉल्व करता हूँ, आंसर में देखिए कोई फर्क नहीं आने वाला है। देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए मैं इस डायग्राम को ही कंटिन्यू कर ले रहा हूं, है ना, और इसको अगर मानते हैं कि कहीं पर जाके बस एंड मैन दोनों एक ही जगह होने चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस डिस्टेंस को एस बी लिखता हूं बस का, तो हमारा मैन के लिए तो इतना ज्यादा चलना पड़ेगा ना, है बिल्कुल बस एंड मैन। तो देखिए पहला मैं अपने जो रेक्टिलिनियर मोशन हमने पढ़ा था उसी से लिखते हैं। नाउ व्हेन क्या मैन विल कैच द बस, हाँ क्या होना चाहिए, जो मैन जितना डिस्टेंस चल रहा है और जो बस है उससे उसको 40 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, नहीं है, बस चला है मैन को, हाँ बिल्कुल। देखिए मैन का जो स्पीड है वो 9 मीटर पर सेकंड और ये कांस्टेंट है, तो हम एस मैन तो लिखेंगे यू इन टू टी दैट इज की 90, चलिए इसको 1 मान लेते हैं। एंड बस का क्या है, यू तो 0 है और ए की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हम लोग एस बस लिखेंगे तो वो भी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही होता है, बिल्कुल कांस्टेंट दिया है। और हम लोग इसको लिखेंगे 0 + 1/2, एक्सेलरेशन 1 ही है, इंटू टी स्क्वायर। चलिए थर्ड हो गया, हाँ जी, तो 1, 2, 3 आप लिख दो, आपका काम हो गया। क्या फ्रॉम 1, 2 and 3 एस एम जो है वो एस बी प्लस 40 है, एस एम जो है वो 90 आ रहा है, एस बी जो है वो टी स्क्वायर बाई 2 आ रहा है प्लस 40, हाँ जी सिंप्लीफाई करते हैं 90 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 80 बाई 2 हो गया, कर लेते हैं। हाँ नाउ कहाँ गया, सिंप्लीफाई कर लो, टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 80 इक्वल्स टू 0, हम लोग करेंगे तो मेरे ख्याल से टी माइनस 10, या तो टी की वैल्यू 8 एंड आपका 10 सेकंड है, समझ रहे हैं। हाँ बस का या डिस्टेंस का व्हेन टाइम तो आ गया, मैन का अगर लिखोगे तो वो लिख लीजिए 9 × t, तो एक बार तो आ जाएगा 9 × 8 यानी कि 72 मीटर ना, और एक आ जाएगा आपका 9 × 10 यानी कि 90 मीटर। ये तो पहले दो आंसर का हम लॉजिक बाद में बताएंगे, आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, और हम लोगों ने कोई रिलेटिव का यूज करा ही नहीं है, राइट, और ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इसी क्वेश्चन को हम रिलेटिव से भी सॉल्व करते हैं, फिर हम आएंगे कि ये दो टाइम या जो भी है पोजीशन का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या है, राइट। पहले मैं इसको रिलेटिव से सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, लिखते हैं। हाँ जी नाउ सेकंड मैं लिख रहा हूं, ये रिलेटिव मोशन। देखिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये सब लिखें और बोलें, तो भी चलिए
एस ऑफ मैन 9, हाँ आई कैप होगा अगर वेक्टर में लिखेंगे, एक ही डायरेक्शन है, आप चाहें तो इतना ही लिख लीजिए। एस बस, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है ना, सॉरी अगर हम लोग इसी को, ये मैन और ये हमारा बस, तो अगर मैं एस एम लिखता हूं इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसी को ओरिजिन मान लेते हैं, हाँ तो एस बस हमारा क्या होगा 40 मीटर आगे है, तो ये 40 एंड आपका एक्स लिखिए, एस हमने कुछ और लिखा है तो हम लोग एक्स लिखते हैं, एस अगर कुछ और लिखा है तो एक्स लिखते हैं, जीरो ये, तो हाँ एक्स ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो एक्स बी माइनस एक्स मैन यानी कि 40 माइनस जीरो यानी कि 40 हो गया। नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन 9 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस जीरो है, तो दिस इंप्लाइज कि बस का विथ रेस्पेक्ट टू मैन, किसी का रिस्पेक्ट में लिखिए, तो यू बी माइनस यू एम यानी कि 0 माइनस 9 यानी कि माइनस 9, देखिए सब में हम लोग आई कैप लगा सकते हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में है, आप राइट वाले को प्लस मान के लिखिए, ये आ गया। हाँ पोजिशन वेलोसिटी दो, थर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मैन 0 है एंड एक्सेलरेशन ऑफ बस आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू मैन जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ बस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन 1 माइनस 0 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। हाँ जी बिल्कुल। नाउ बात आता है कि क्या लिखें, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो हम मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और लिख दीजिए देखिए मैं इसी इक्वेशन को यूज करने वाला हूं बट रिलेटिव में, मैं क्या डेल्टा एक्स ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू मैन जो है वो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा बस का विथ रेस्पेक्ट टू मैन, बस का विथ रेस्पेक्ट टू मैन। हाँ तो मैंने एक बात समझाया था, जब ये जो चीज है ये तो इनिशियल है ना, हाँ जी, और जब ये कैच कर लेगा तो बस का विथ रेस्पेक्ट टू मैन जब आएगा तो वो क्या आएगा फाइनल, सॉरी जीरो, हाँ सेम पोजीशन पर कैच करेगा तो अगर डेल्टा की हम लोग बात करेंगे तो वो एक्स ऑफ बी मैन का फाइनल माइनस एक्स ऑफ बी मैन का इनिशियल। देखिए कई बार लोग यहीं गड़बड़ कर देते हैं और आगे फिर गड़बड़ ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इस चीज को लिखिए, बस मैन टी एक्सेलरेशन ऑफ बस मैन टी स्क्वायर जीरो माइनस में ये 40 हो गया इक्वल्स टू कितना है माइनस 90 प्लस टी स्क्वायर बाई टू। आई होप ना कि देखिए अगर आप ये इक्वेशन लिखते हैं तो अगला समझ जाएगा कि रिलेटिव यूज करें, और अगर आपने ये इक्वेशन लिखे हैं तो अगला समझ जाएगा कि आपने रेक्टिलिनियर मोशन लिखे हैं, और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम हैं। अगला स्टेप हम लोग लिखेंगे यही आने वाला है, देख लीजिए। हाँ जी टी स्क्वायर माइनस सॉरी 18t, हाँ इक्वल्स टू माइनस 80 आ रहा है तो नहीं आ गया, और बिल्कुल फिर आपका काम यहीं सेम। हाँ बिल्कुल ना, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, और किसी को तो ये भी ज्यादा टेढ़ा लग रहा होगा कि क्यों लिखे, ये ज्यादा सिंपल था। ऑफ कोर्स रेक्टिलिनियर मोशन एक डायरेक्शन में रहेगा तो यही ज्यादा सिंपल लगता है, लेकिन जब ना ये 2-3 होने लगेगा तो फिर ये सोच ही नहीं पाते हैं, हमें मैथमेटिकली ही लिखना पड़ेगा, वेक्टरली ही जाना पड़ेगा ना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये दो टाइम या दो पोजीशन का क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि 8 सेकंड पर पहला या दूसरा गेट, ये सब इलॉजिकल कोई बात नहीं है। सिंपल सिंपल क्या है कि देखिए, मैन जो है इनिशियली इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और ये इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है। तो क्या है ना कि ये जो जा रहा है, ये जाते जाते 8 सेकंड पर क्या करेगा कि बस को मैन जो है वो ओवरटेक, हाँ 8 सेकंड पे बराबर और मैन आगे, समझ रहे हैं ना। सिंस क्या है कि मैन की स्पीड तो कांस्टेंट है और बस का बढ़ते जा रहा है, तो फिर क्या करेगा कि 10 सेकंड पर बस जो है वो मैन को ओवरटेक कर जाएगा, मतलब फिर से 10 सेकंड पर मैन और बस एक साथ रहेंगे, है ना। नाउ ये मोशन या लाइन ऑफ मोशन हम लोग कंटिन्यूड मानते हैं। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बोलिएगा तो वो 8 सेकंड ही होना चाहिए, और अगर ये पहले पकड़ लिया तो फिर अननेसेसरली हम आगे नहीं जाएंगे, बट दिस इज द लॉजिक, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग आएंगे कुछ और एग्जांपल्स, वन डायमेंशन, देन हम लोग देखते हैं टू डायमेंशन।